ये एक ऐसा दौर है किसी भी महिला की लाइफ में जो इनएविटेबल है मेंसेस स्टार्ट होना एक बिगिनिंग है रिप्रोडक्टिव लाइफ का तो मेंसेस का का पॉज होना दूसरा एंड है वो रिप्रोडक्टिव लाइफ जब मीनो को गो थ्रू करती हैं तो वो इतनी अकेली पड़ जाती हैं और उनको लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं रहा है Men, जो उनके पार्टनर्स हैं जो उनके लाइफ पार्टनर्स हैं लेडीज की लाइफ में ये एक इनविटेबल चेंज है और इसमें उनका सपोर्टिंग रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है नमस्कार सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत सबसे पहले गुजारिश सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए मीनोपॉज से रिलेटेड पूरी सीरीज हमने बनाई हुई है और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप उसे देख सकते हैं आज लेकिन बात मीनोपॉज और वैवाहिक समस्याएं इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर सीमा हमारे साथ हैं उनसे बात करते हैं बहुत बहुत स्वागत मैम मीनोपॉज पे पूरी सीरीज हमने बनाई है और मीनोपॉज से रिलेटेड हर इशू को हर टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप वहाँ जाकर पूरी सीरीज देख सकते हैं और आज बात मीनोपॉज़ के दौरान जो मैरिज ट्रबल्स होती है वैवाहिक समस्याएं पार्टनर्स के साथ और पार्टनर को कैसे अवेयर होना चाहिए जागरूक होना चाहिए और अपनी हमसफर पत्नी जो इतने सालों से उसका साथ दे रही है उसका ख्याल रखना चाहिए इस पर हम बात करने जा रहे हैं जो बहुत अहम है क्योंकि इस पर बात होती ही नहीं कि एक महिला को मीनोपॉज के दौरान कितनी सपोर्ट की जरूरत है खासकर अपने पति से सो so, सबसे पहले तो ये ये वीडियो जो हम बना रहे हैं पतियों के लिए हाँ, पत्नियां तो देखे ही लेकिन हाँ। अपने हस्बैंड को दिखाइए ये उनके लिए वीडियो है बिल्कुल सो so, कौन से सिम्टम्स देखकर एक हस्बैंड ये समझ सकता है कि उसकी पत्नी मीनोपॉज के दौर से गुजर रही है एज तो चलिए है ही फोर्टी के बाद सो आपने बिल्कुल करेक्टली कहा कि ये एक ऐसा दौर है किसी भी महिला की लाइफ में जो इनएविटेबल है अगर मेंसेस स्टार्ट होना एक बिगिनिंग है रिप्रोडक्टिव लाइफ का तो मेंसेस का पॉज होना दूसरा एंड है वो रिप्रोडक्टिव लाइफ का जो उसके बीच के पंद्रह से लेके चालीस पैंतालीस तक का टाइम है वो तो फुल एनर्जी में रहता है बहुत एक्टिव वाली लाइफ रहती है तो कभी हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होते कि इसमें कुछ चेंज भी आएगा हमें लगता है कि दिस विल लास्ट फॉर एवर अब लेडीज तो इस चीज़ को खुद से महसूस करती हैं तो उनको इसके बारे में अवेयर होना डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है बट मेन जो उनके पार्टनर्स हैं जो उनके लाइफ पार्टनर्स हैं हम चाहते हैं कि इस वीडियो की तरफ से उनको सेंसिटाइज करें कि लेडीज की लाइफ में ये एक इनविटेबल चेंज है और इसमें उनका सपोर्टिंग रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू डिसाइड कि हमारी महिलाएं इस फेज़ को ओवरकम करके स्ट्रोंगर निकलेंगी या फिर बहुत सारी आ, महिलाएं हमारे समाज में जब मीनोपोज़ को गो थ्रू करती हैं तो वो इतनी अकेली पड़ जाती हैं और उनको लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं रहा है कोई उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा और वो डिप्रेशन या एंगजाइटी या मूड डिसऑर्डर्स के आ, बीच में चले जाती हैं शिकार हो जाती हैं और उन्हें साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है तो आज हमारी इस वीडियो से हम चाहते हैं कि हम उन सब महिलाओं की हेल्प करें जो मीनोपॉज के इन सिम्टम्स के साथ जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं सो so, सबसे पहले मैं हस्बेंड्स को बताना चाहती हूँ कि हमने बहुत सीरीज करी है मीनोपोज पे। कि ये एक ऐसी फेज है जिसमें विमेन के हॉर्मोन्स जो हैं वो एक डिक्लाइन पे हैं डिक्लाइन मींस कि कम होते जा रहे हैं क्योंकि ओवरीज जो पहले हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरेट कर रही थी अब उनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन फॉल कर रहा है ये हॉर्मोन्स सिर से लेके पैर तक लेडीज़ की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं जब इनका लेवल फॉल करता है तो अगर आप माइंड के लेवल पर सोचेंगे तो मूड डिस्टर्बेंसेस उनका स्लीपलेसनेस इरिटेबिलिटी, उनकी बॉडी में एक्स एंड पेन्स, वेजाइनल ड्राइनेस यूरनरी प्रॉब्लम देर आर सो मैनी थिंग्स जो हो सकता है कि अगर ट्वेंटी प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें से पाँच छः सात आठ का डिफरेंट सेट हर महिलाओं को ट्रबल करता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हस्बेंड्स जो उनके लाइफ पार्टनर्स हैं वो ये अंडरस्टैंड करेंगे कि उस स्टेज पे उनकी सपोर्ट अपनी वाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नहीं है कि वो चाह के नहीं कर रही हैं उनकी बॉडी या उनके शारीरिक समस्याएं उनको परेशान कर रही हैं और उनको ये चीज समझनी चाहिए हस्बैंड्स का क्या है कि वो अपनी एक्सपेक्टेशन उसी लेवल पे रखते हैं और ये चीज फीमेल्स को और यू you know, नो डिप्रेस कर, कर देती है।, है अब एक चीज जो वेट गेन है हमने डिस्कस किया हमारी पूरी वीडियो है मीनो पे वेट गेन में लेडीज में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है सी आई वांट हजबेंड्स नॉट टू जज देयर वाइफ्स मेरे पास ओपीडी में मेरा मन बहुत दुखी होता है जब वाइफ्स आके कहती हैं कि मैम हमें इस चीज के लिए जज किया जाता है कि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे कि हम तो इतना कम खा रहे हैं जितना पहले खाते थे उससे आधा ही खा रहे हैं वेट के लिए भी हम जागरूक हैं ऐसा नहीं कि हम कोशिश नहीं कर रहे बट फिर भी अगर हमारा वेट गेन हो रहा है तो हमें ये कमेंट सुनने को मिल जाता है कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा नाउ आई फील दैट इज़ वेरी इनसेंसिटिव वे ऑफ कम्युनिकेशन सो so, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हस्बैंड्स को बहुत सेंसिटिव तरीके से अपनी वाइफ्स को सजेशन देनी चाहिए उनको एम्पिथाइज करना चाहिए कि वेट गेन इस स्टेज पे क्यों होता है बिकॉज हम का हमारा मेटाबॉलिज्म लेडीज़ का स्लो हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अपने नॉर्मल वे ऑफ लाइफ में ही उससे कम खा के ही हम ज़्यादा वेट गेन करते हैं और 45 से 50 के बीच में बिना सोचे या बिना जाने ही आपका चार पांच के जीज वेट अप आ जाता है सो मेनी दे सफर फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम वो कहते हैं मैम हम सोशलाइज करने नहीं जाते हम गेट टूगेदर्स में नहीं जाते क्योंकि एक तो हमारे कपड़े तंग हो रहे हैं ऊपर से लोग कॉमेंट कर देते हैं भाई क्या बात है आप मोटी हो हेल्दी हो रहे हो तो आई थिंक एज अ सोसाइटी वी शुड बी मोर सेंसिटिव लाइफ पार्टनर्स को अपनी वाइफ्स को इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि इट्स ओके okay. जरूरी नहीं है कि हर समय आपने 50 के पे रहना लाइफ इज ऑल अबाउट चेंजिंग और चेंजिंग फेज ऑफ लाइफ में वेरियस चेंजेस आएंगी अगर हस्बैंड अपने पार्टनर को ये विश्वास दिलाएगा कि शी इज ब्यूटिफुल स्टिल एंड ही स्टिल लव्स हर इन स्पाइट ऑफ कि भाई वेट गेन हो गया इट्स ओके बट यू आर स्टिल द सेम वाइफ फॉर मी और हमारा रिलेशनशिप आपकी बॉडी इमेज से अफेक्ट नहीं हो रहा है तो ये वो मैरिज का जो बॉन्ड है उसको फर्दर स्ट्रॉन्ग करेगा हुँ. होता क्या है कि मैरिजेस फॉल अपार्ट क्योंकि देखिए सेक्शुअल डिजायर विमेन की बिकॉज ऑफ द हॉर्मोनल चेंज इस एज में कम हो जाती है और वो भी मैरिटल क्लैश का एक बहुत कॉमन रीजन है तो बहुत महिलाएँ परेशान हो के गायनोकोलॉजिस्ट के पास आती हैं कि मैम हमारे हसबेंड और हमारा रोज का ये कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज दे हैव हाँ द सेम डिजायर हमारी हॉर्मोनल चेंज से कम हो गई है बट दे आर नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड सो आई फील थ्रू दिस वीडियो हम हजबेंड्स को सिर्फ ये रियलाइज कराना चाहते हैं कि इट इज़ नॉट दैट कि वीमेन दे लव यू लेस एट दिस एज इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द बॉडीली चेंजेस उनके डिज़ायर हॉर्मोनल चेंज की वजह से थोड़ी सी कम है आपको उनको राधा ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए और इस टॉपिक को लेकर कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना चाहिए हमने ही अपनी सेक्शुअल हेल्थ वाली वीडियो में विमेन को भी एजुकेट किया था कि हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं बट आपको गिव अप नहीं करना है सो सेम वे वी आर एजुकेटिंग आवर वुमेन टू यू नो फाइट द मेनोपॉज बट एट द सेम टाइम उनके पार्टनर्स को भी सपोर्टिव रोल प्ले करना बहुत जरूरी है और वाकई ये आज तो हम बात कर रहे हैं आज से कुछ साल पहले तो इस पर बात भी नहीं होती थी एक महिला को खुद नहीं पता होता था कि वो मेनोपॉज के दौर से गुजर रही है इसलिए 40 42 45 की उम्र में उसे गुस्सा ज्यादा आ रहा है वो थक रही है या वेट गेन हो रहा है या और कुछ आ, और झगड़े हैं पार्टनर्स के साथ भी जो झगड़े शुरू हो जाते हैं जैसे आपने अभी कहा है तो अब एक महिला को खुद भी जागरूक होना है कि भाई आप चालीस के हो गए ये चेंजेस आने हैं अवेयर रहो आप इसके लिए तैयार रहो और अपने हस्बैंड को भी बताना है ये वीडियो दिखा के बताना है कि वो भी आपको समझे तैयार है क्योंकि होता ही है कि बच्चे अभी बड़े हो रहे होते हैं मदर उनका ध्यान रख रही है हस्बैंड की उम्मीदें वही हैं घर में बुजुर्ग हैं उनको भी देखना है उनकी भी आपसे एक्सपेक्टेशन हैं तो अकेली पड़ जाती है महिला तो अब ऐसी स्टेज में आप जैसे सिम्टम्स जरूर बताइए कि आप जो मूड स्विंग हो रहे हैं कई बार चिड़चिड़ापन हो रहा है गुस्सा आ रहा है तो उससे कैसे हस्बैंड को निपटना चाहिए देखिए हस्बैंड्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपकी वाइफ की स्लीप डिस्टरबेंसेस चल रही हैं, वो अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं इसलिए हो सकता है कि सुबह उनको थकावट ज्यादा है तो आप उनका घर के काम में हेल्प कर सकते हैं कुछ ऐसे काम हैं जो हम डेलीगेट कर सकते हैं कि ठीक है ये मैं कर दूंगा ये आप कर लीजिए उससे उनकी हेल्प हो जाएगी हो सकता है उनको बॉडी एक एंड पेन्स हैं जो बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर्स हैं वो कहते हैं कि मसल्स अगर सोर हैं वाइफ के बाजू दुख रही है टांग दुख रही है आप मसाज कर सकते हैं इट विल बी वेरी गुड टू स्ट्रेंथन योर बॉन्डिंग और नहीं है तो आप एटलीस्ट कुछ अंडरस्टैंडिंग के वर्ड्स ही अगर बोल देंगे तो वो भी आपकी वाइफ के मूड को अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगा एंड देन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हम सोच रहे हैं कि वाइफ का वेट गेन हो रहा है शी शुड बी एक्सरसाइजिंग तो एज अ कपल आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसमें आप अपना वी टाइम टुगेदर स्पेंड कर सकते हैं प्लस आपकी वाइफ भी मोटिवेटेड फील करेगी कि चलो दोनों मिलके पार्क जाते हैं लेट अस डू द आजकल तो चंडीगढ़ स्पेशली यहाँ पे इतने पार्क्स में जिम है जो आउटडोर जिम्स हैं तो उसको यूज कर सकते हैं जो यंगस्टर्स हैं वो इंडोर जिमिंग के लिए जाते हैं कई कपल्स हैं वो स्विमिंग के लिए जाते हैं या और कुछ नहीं तो योगा कर सकते हैं ज़्यादा कुछ नहीं तो सिंपल वॉक पर भी इकट्ठे जाया जा सकता है वॉकिंग बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है वॉकिंग साइकिलिंग रनिंग जॉगिंग जो भी किसी को अच्छी लगती है दैट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज उससे एक तो एक दूसरे की कंपनी से मोटिवेशन बनेगी और बॉन्डिंग भी बेटर होगी और वाइफ को भी लगेगा कि यस माय पार्टनर केयर्स फॉर मी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वो एक फेज है जिसमें अक्सर महिलाओं को लो सेल्फ स्टीम लगती है जैसे कि हमने कहा वेट गेन की वजह से मूड चेंजेस की वजह से थोड़े से डिप्रेस्ड फील करते हैं उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि सेल्फ इमेज उनकी डाउन होती है आ, बच्चे इस स्टेज पे उतना अटेंशन देते नहीं है क्योंकि वो अपने अपने करियर्स के साथ प्री ऑक्यूपाइड है। होते हैं तो मुझे लगता है कि पूरी सोसाइटी पूरी फैमिली को सेंसिटिव होना एक मीनोपोजल लेडी के लिए बहुत जरूरी है ताने नहीं मारने हस्बैंड को और ये सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स जो झगड़े बढ़ जाते हैं सेक्स को लेके वहां भी हस्बैंड को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है बिल्कुल बिल्कुल वाइफ्स को भी हम एजुकेट कर रहे हैं कि अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी जितनी उनके मूड के साथ कंपैटिबल है उतनी कंटिन्यू करनी चाहिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर सपोज करो कि पेनफुल इंटरकोर्स हो रहा है तो गो फॉर अ गायनाकोलॉजिकल हेल्प क्योंकि कई बार क्या होता है हार्मोन डिफिशेंसी की वजह से विजाइनल ड्राइनेस होती है यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं पर वो सारे सिम्टम्स ट्रीटेबल हैं हम आपकी मदद कर सकते हैं आपको हॉर्मोनल क्रीम्स दे के वो विजाइनल ड्राइनेस ठीक करी जा सकती है तो अगर छोटी छोटी फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी इंटरपर्सनल हेल्थ अफेक्ट कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली डॉक्टर की राय लीजिए उसमें कोई नुकसान नहीं है और एक चीज़ में यहाँ हजबेंड्स को और एजुकेट करना चाहती हूँ कि अगर उनको लग रहा है कि उनकी वाइफ कोपअप नहीं कर पा रही है और कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जो हमारी बेस्ट सपोर्ट कम्युनिकेशन के बावजूद भी हम नहीं कर पा रहे हैंडल तो फिर इट इज़ वेरी गुड टाइम टू गो फॉर काउंसलिंग और कंसल्टेशन विद मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट और ए साइकेट्रिस्ट और ए साइकोलॉजिस्ट क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम खुद से सारे इश्यूज को रिजोल्व नहीं कर सकते बट जब कोई भी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर आपको प्रोफेशनल वे से वो चीज हैंडल करने के बारे में गाइड करता है तो आप उससे बेटर कोप अप कर सकते हैं तो वी शुड ऑलवेज आइडेंटिफाई कि अगर आपकी वाइफ छोटे छोटे इश्यूज पे रो रही है या उसको नेगेटिव आइडियाज आ रहे हैं या कोई सुइसाइडल थॉट्स आ रही है तो इट इज हाई टाइम कि आप जाके किसी ना किसी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को मिलो चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है चाहे वो काउंसलर है या जरूरत पड़े तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन अवेलेबल जो थोड़ी देर के लिए दी जा सकती है ताकि महिलाएं उस टाइम में से कोपअप करके बाहर आ पाए और उसके बाद उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये समझना कि जो पांच से दस साल है मीनोपोज का जो दौर है इतना, हाँ, तो होता, ही है। इतना होता है पेरी मेनोपॉज पोस्ट मेनोपॉज ड्यूरिंग मेनोपॉज सो इतना टाइम आपको बहुत जरूरी है हालांकि इतनी जागरूकता ही नहीं है बिल्कुल कोई सोचता भी नहीं है कि एक महिला किस दौर से गुजर रही है इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है हॉट फ्लशेस हॉट फ्लशेस पसीने छूटना नाइट स्वेट्स हाँ तो वो जिसको हो रहे हैं उसको ही पता है हम कहते हैं ना कि वेयर ओनली द शू वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस तो मेन शायद उस चीज को इमेजिन की भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको वो होता ही नहीं है बट जिन महिलाओं को होता है उनको पता है कि हॉट फ्लैशेस कितना ट्रबल सम है कि आप बैठे हैं मीटिंग ले रहे हैं सडनली आप प्रोफ्यूजली स्वेट कर रहे हैं सबको गर्मी नहीं लग रही पर आपको बहुत गर्मी लग रही है और अनकंफर्टेबल लग रहा है सो so, ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मीनोपोज से लिंक्ड हैं और लेडीज को ट्रबल करती हैं पर हाँ अगर हम एम्पिथाइज करेंगे सेंसिटिव होंगे तो एटलीस्ट हम उनको और परेशान नहीं करेंगे अपने कॉमेंट्स दे दें सब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। ये मीनोपॉज का दौर है और ये सब होगा हो रहा है एक हाँ। महिला बहुत सारी महिलाएं हैं वो खुद सोच ही नहीं पाती कि अच्छा ये पसीने जो छूट रहे हैं या चिड़चिड़ापन हो रहा है हम थक रहे हैं गुस्सा आ रहा है वो मीनोपॉज की वजह से महिलाओं के लिए भी जरूर टिप्स दीजिए कि ड्यूरिंग मीनोपॉज जब ये सिम्टम्स हो तो क्या करें देखिए सबसे पहले तो ये है कि महिलाओं को ये सोच के नहीं बैठ जाना कि इसका कोई हल नहीं है हल हर चीज का है अगर आपको हॉट फ्लैशेज तंग कर रहे हैं या आपको यूरिनरी सिम्टम्स या विजाइनल ड्राइनेस हार्मोन रिप्लेसमेंट के साथ बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं एंड एज डॉक्टर्स हम केयरफुली स्क्रीन करके आपके सारे रिस्क जो हैं उनको एलिमिनेट करके आपको मेडिसिन या हेल्प ऑफर करते हैं तो उससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इंप्रूव हो जाता है घर पर तो क्या किया जा सकता है वो भी बताइए घर पे देखिए ये है कि आप कॉटन क्लोथ्स पहनिए ठीक है आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए या योगा करिए जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर होगी आप स्पाइसेस कम लीजिए कॉफ़ी कैफीन कम लीजिए ये सब करने से आपके हॉट फ्लशेस की फ्रीक्वेंसी कम होगी अगर आप स्पाइसी फूड कम खाएंगे हॉट फ्लशेस आपको कम तंग करेंगे और सिमिलरली आप कोई ना कोई हॉबी में एंगेज करिए जिसके आपके बॉडी में या हैप्पी हॉर्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट हों और आप अपने आप को इतना दुखी मत समझिए कि हर समय ये सोचना कि ओफ़ो मेरे साथ ये हो रहा है या डिप्रेस होना वो नहीं करना चाहिए वी शुड एक्सेप्ट दैट इट इज अ चेंज ये थोड़ी देर ही रहेगा और उसके बाद हम इसके बाद वी कैन बी यू नो वेरी फिट एंड स्ट्रॉन्ग या उदासी आ रही है अकेलापन हो रहा है आप निराश महसूस कर रहे हैं तो यहाँ सचेत भी होइए कि हाँ। ये मीनोपॉज का दौर है और हाँ। मुझे जागरूक होकर इसे निपटना बिल्कुल बिल्कुल, है। बिल्कुल।